My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love. Cause honestly, the truth is that you know I'm never leaving. Cause you're my angels. पंजाब इच्छे तो तुहानू ते पता है कि पंजाब वाले ते बड़े कोई दिल वाले होंदे ने और खास तौर ते मेहमान नवाज ते डाढे होंदे ने तो तुहानू पसंद आया है कि अज ते मैं तुहाडे घर बगैर बुलावे दे आ गई हां। मैंने तो तुहानू दस्या नहीं सी कि मैं अज तुहाडे घर आवांगी। ए वेखो तो अज ते मैं एक गल और भी दस्सनी है कि मेरे अज हमारे साथ आपके पास आने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे होस्ट और उनका नाम है सर्कट। और आप देखिएगा कि वो क्या कोई आपके साथ पंजाबियों में गला करेंगे और जब वो गला करेंगे तो फिर आप लोग भी उन लोगों के साथ घुल मिल के रहना। फिर आप लोग हमेशा मुझसे शिकायत करते हो शीला तुसी भी कभी पंजाबी बोलो। मैंने पंजाबी आंदी बस थोड़ी थोड़ी ऐ जे गल ऐ जे कुड़ी है ना। हां जी जे मुटियार इथे ते की लोड है जी कोई भी तीसरे बंदे दी। हुण मैनूं दस्सो को जांदा पे सर्कट को रे। मैं ते कभी सुनया वी नहीं सर्कट नहीं हुंदे। ओ बिजली दे खंभे नूं नहीं कहंदे आकाश आड़ नूं है। ना 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 सर्कट सर्कट अज दे शो च साडे शो च आया मेहमान बनकर और वो आया साडे ताकि हमारे साथ बातें करें और रौनकें लगाएं। और आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक भी मैं आपको बताती चलूं कि हमारा टॉपिक आज का ये है कि आजकल लोगों में बर्दाश्त की इतनी कमी क्यों हो गई है। क्या क्या वजह है? महंगाई, तनख्वाहें कम, और क्योंकि ये ना सिर्फ ऑफिस में लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते और घरों में हर वक्त लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इवन सबसे बड़ी बात ये कि अपनी दुनिया की जन्नत जो और जो जो सबसे बड़ी जन्नत है उनकी माँ, और कुछ लोग तो ऐसे बदनसीब होते हैं कि वो अपनी माँ को भी अपने घरों में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आने वाला है बहुत ही प्यारा आपका और हमारा आज 12 बजे से शुरू हो जाएगा मदर डे। तो आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां की हैं उसके ऊपर भी हमारी बात होगी। और मदर डे पे कल आपको मैंने खास तौर पर कहा है कीजिए अपने सारे घर वालों को जमा और आप लोग भी मिल के रहिएगा सब एक साथ। कल का दिन आप लोगों ने ईद की तरह मनाना है। मैंने भी अपने बहन भाइयों को सबको जमा किया है और कल का दिन आप देखिएगा कि मैं कैसे मिल के मनाएंगे हम लोग। आपको भी ऐसे ही मनाना है। आपकी माँ को आप खुशी देंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। हाँ जी कल मामा का धेड़ा आएगा कि तो तुसी मैंने दसना कुछ किया भी है कि नहीं। कल मैं एक कॉलर नाल गल की हो मैं अजय कुछ किया ही नहीं। तुसी सोने पे हो जागो जी कुछ करो अपनी माँ दे वास्ते। एक ही दिन होंदा है एक ही वेला होंदा है ते तुसी सो रहे हो जागो जी और थानू कॉल करो ते दसो की होंदा पिया अज कल। यार वो तो हमारे जो सर्कट मेहमान आने वाले तो मैं कहती हूं उन्होंने बुलाओ ना भंगड़ा चंगा ला जी कौन है सर्कट मैं भी देखा जरा। अरे नहीं नहीं आने दे। आओ जी आओ कितने हो सर्कट जी ओ कितने आने अंदर अंदर ओ बिल्कुल ठीक है।
ਯੂ ਸ਼ੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਲੈਤੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰਕਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਏ ਸਰਕਟ ਨਾਮ ਸਰਕਟ ਤੇ ਆਇਆ ਬੜਾ ਆਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰੌਣਕਾਂ ਬਾਜੀ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਚੋਰੀ ਸਾਧ ਸੀ ਇਹ ਟੋਲਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੱਚੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਤੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਮੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਯਾ ਯਾ ਸੱਚੀ ਪੱਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਂਡਾ ਲਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਓ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਕਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੁੜੀ ਬਣਾਣ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਗਏ ਹਮ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਮੇਲਾ ਲਗਾਨੇ ਔਰ ਜਬ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਤੋ ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਣੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਲੈ ਸੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਤਾਂ ਸੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਲੈ ਸੈਂ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੜਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ ਰੰਤਾ ਚੁਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਲੈਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈਲੋ एवरीवन ਹਾਏ ਵੇਖੋ मैं पहली बार टीवी पे आ रहा हूँ पता नहीं सीटिंग में लाइक जी तो फिर से मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है कि आजकल लोगों में बर्दाश्त की कमी क्यों इतनी ज़्यादा है क्योंकि बर्दाश्त की कमी गर्मियों की वजह से होती है या इनकी तनख्वाहों की कमी की वजह से होती है या आजकल का सुनहरे ऐसा हो गया है कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते इवन सबसे बड़ी बात यह कि लोग अपने घर में अपनी माँ तक को बर्दाश्त नहीं करते अब ये पूरा पंजाब देख रहा है लेकिन एक बात तो पंजाब वाले बड़े दिल वाले जी मेरी गल सुनो तुसी सही कह रहे हो बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है ठीक है और आजकल एक दूसरे की बर्दाश्त बड़ी खत्म हो गई मैं बड़ा देखे आगे पीछे मैनू तुसी देखो मैनू जड़ा है ना उथे मेरे पिंड च मेनु लोग नहीं बर्दाश्त करदे चंगा मुन्ना तू इथे क्यों तू लंघन जा बर्दाश्त नहीं करदे मेनू बर्दाश्त नहीं होंदा किथों आ गया सर्कट गया मैं उठ के टकरा मारनी है मेरे नाल ये गल ना करी आ मैं बड़ा कुछ चला के मेरी गल सुनो मैं सर्कट ही फिट करदा बड़ा कुछ चला के बताइए कि मैं दुबई के आपके एज ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा हर वक्त लड़ते रहते हैं हां जी मैं तो तक क्या लोगों का बर्दाश्त कोई नहीं होती जे ट्रैफिक द सिग्नल होवे कोई भी जगह होवे तो भांडे फड़ लेने ने एक दूरे से बांधे ने ही जिस तरह दस रही है भी लग रहा है ए भी मां नहीं मैं कुछ भी इस तरह कभी भी किता मैं कदे नहीं किता पर इंज होंदा है मैनु लगदा है इनु बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है पढ़या के ए तुसी मैं ते हां ही मैं ते जे लागे जा ते मार मार कटाई होंदी है कित्थों ले हो तुसी ए ते दसो सानू कित्थों ले हो गंदम दी कटाई होंदी है हां जी कदे मार कटाई होंदी है हां जी मार लस्सी दी कटाई ते गंदासा लै के तू भी जांदा है खेतच में आ गया ठा करके लेकिन लेकिन एक बात है पंजाब के गांव में और बहुत ज्यादा सुकून होता है लोग ये कहते हैं यार शहरों में तो लोग सिर्फ अपने आप को बर्दाश्त कर लें बड़ी बात होती है लेकिन पंजाब में जब तक के एक एक ग्लास लस्सी का भी पीना हो ना तो दस लोगों का बात ना लगाए तो उनको सुकून नहीं मिलता शीला जी जरा लस्सी से लाया मेरे लिए चुप करो मेरे को कॉल आ गई हेलो जी सलाम हाँ जी कॉल लो कॉल हेलो 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 अपने गल मैं तो तेन कहनी पंजाबी वाले लोग इन्हें के प्यार करने वाले होंगे ने और अगर हमारे शहरों के लोगों को तो ये कहते हैं कि उनके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता लेकिन पंजाब वाले लोग वो ये चाहते हैं कि अगर अगर दो रोटी भी खाएंगे अगर दो रोटी भी खाएंगे तो दस लोगों को आवाज लगाएंगे आप लोग को खाना खाना है आप लोगों को खाना खाना है लेकिन यहाँ पर आपके पड़ोसी अगर भूखे भी होंगे तो आप लोग को पता नहीं होता क्योंकि कोई किसी की परवाह ही नहीं बड़ी किसी कोई किसी की पंजाब से क्या करते हैं मेरी गल सुनो शीला जी शीला जी मेरी गल सुनो कॉल आ गई पंजाब से क्या कर हो काल ले बात हेलो जी कौन हैगा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कौन है साडे नाल बुशी बुशी क्या हाल है तुम्हारे की हाल है तेरे कुड़िए थैंक यू सो मच पहचानने के
मैं किसी ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी सबसे प्यारी प्यारी कॉलर को मैं ना की हाल तो पंजाबी नहीं आती जी 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 बुशी कैसी है आप ठीक ठाक अच्छा एक एक करके बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा हाँ हाँ बुशी मैं आपसे बात कर रही हूँ बुशी कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसी हैं बिल्कुल ठीक ठाक बुशी तुमने कोई एप्लीकेशन दी कि तुम्हारी कोई जो लाइट फाइट है कि आ जाए वापस आज बताऊं आपको एक बात आज हमारी लाइट है लेकिन इत्तेफाक की बात ये है कि आज हमारा टीवी खराब है ए व्हेन सर्किट इज हियर देन नो वरीज आई मैं सर्किट सही करना मैं तो टीवी बुला दूंगा खराब कर देगा ये तो तुम्हारे साथ बड़ा कोई अजीब बात हो गई है कि आज लाइट है लेकिन टीवी तो खराब है अच्छा टीवी खराब हो गया अच्छा मुझे एक बात बताएं आप लोग मदर्स डे स्पेशल कर रहे हैं जी हाँ कल कर रहे हैं जी कल करेंगे बिल्कुल करेंगे और आज 12 बजे से तो शुरू हो जाएगा सुनाना था ना तो मैं आज सुनाने वाली थी नहीं 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 अगर आप चाहो तो आज 12 बजे की बात बात से सुनाना है क्योंकि कल पब्लिक के सबसे प्यारी सुनो सुनो सबसे पहली कॉल तुम्हारी होती है और तुम एक काम को जो भी सुनाना था ना कल आप सुनाना चले ठीक है अगर कल मुश्किल हो गया तो फिर कल का ही दिन बचा है मेरे पास हाँ क्योंकि अब यार मुझे तो लगता है तुम टाइम देख रही होती हो कि जैसे ही टाइम ये लोग ऑन एयर आए तो मैं इनको सबसे पहले कॉल करूं वी लव यू लकी हो यार कि तुम्हारी कॉल सबसे पहले लगती है होना है शो में तो इस वजह से मैं पहले से ही मिला करना होल्ड पर होती हूं और आज का शो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग मदर्स पे तो बात कर ही रहे हैं और टॉपिक भी हमारा बहुत अच्छा है कि आज के लोगों के अंदर बर्दाश्त की इतनी कमी क्यों है बर्दाश्त की कमी वैसे मुझ में बहुत बर्दाश्त है नाराज हो जाती होती है नहीं नहीं अभी कॉल से पहले मेरा मूड हद से ज्यादा खराब है मैंने अभी 2 मिनट में मूड चेंज करके आपसे बात कर रही हूँ यही तो बर्दाश्त है ना मैंने तभी फौरन से मूड चेंज किया खुशी खुशी आपसे बात कर रही हूँ नहीं तो मेरा मूड बहुत खराब था अरे हम है ना तो फिर क्या हुआ हमें यश माय लव बी हैप्पी अच्छा सा कोई एक पंजाबी गाना लगवाऊंगी तुम्हारे लिए ठीक है हाँ बिल्कुल अच्छा मुझे गुजी गुजी कर दी ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए गुजी गुजी थैंक यू सो मच ग्रेट गर्ल शीला जी मैं कॉल करनी होए तो किस तरह कॉल करा मैंने दसो दुबई तो मैं मोबाइल से कॉल करता सी इतों मैंने समझ नहीं आई कॉल किस तरह करना जाऊं पीछे है बड़ा कुछ सीधा साधा जी मुंडा आएगा तुसी बोली भी कह मैं पिंड तो आया हूं और मैं करा मैं न्यूयॉर्क के लिए गलत मैं भी किराए दी मैं भी नहीं पता की होता है ये पीसीओ नजदीक है कोई पीसीओ क्यों होता है पंजाबी मिल गए तो लड़न शुरू पंजाबी लोग कभी नहीं लड़ाई करते बहुत प्यार करने वाले होते हैं आपस में मिलके रहते हैं लेकिन पंजाबी लोग में बस ये कहते हैं कि शहर वाले थोड़े से मतलबी होते हैं उनके अंदर बर्दाश्त की कमी बहुत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हर कोई चाह रहा होता है कि एक दूसरे से आगे जाए और 12 बजे के बाद आने वाला है हमारा बहुत ही अच्छा मदर्स डे स्पेशल आ जाएगा आप लोगों ने अपनी मदर्स के लिए क्या क्या विशेष रखी है और जल्दी जल्दी फोन कीजिए अपनी मदर्स को जिस दिन को विश कराना है हमें जल्दी से फोन करके बताइएगा और तो ताकि हम 12 बजे आपकी मदर्स का नाम लेके सबसे पहले बोलेंगे आपकी तरफ से तो इंतजार मत कीजिए उठाइए फोन और जल्दी जल्दी हमें कॉल करो और मामा ते ठंडियां छावा मैं भी यही आख रही थी मामा ते ठंडियां छावा मेरा जो डायलॉग थी ना वो मेरे दिमाग से खराब हो गया आदि पे है मुनि जी तुसी एक शायर नहीं और मेरी गल सुनो मैं यही आख रही थी अल्लाह की कसम मैं यही आख रही थी अच्छा ये आ गया ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ
अच्छा जी मैं नवरीन दसना चाहना मैंने उसे बुलाया सी सर्किट सही करने लाई ते मैंने उसे शो दे लाके आज का ये खास मेला हमने लगाया है पूरे पंजाब वालों के लिए और हम लोग आए बाबा फिसलर के पंजाब में और आज के पंजाब में जो ढोल धमाके हो रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही खास दे आया क्योंकि हम ये बहुत खुश हो रहे हैं कि 12 बजे हो जाएगा मदर्स डे स्पेशल और मदर्स डे स्पेशल में हम लोग और ज़्यादा मिलके ढोल धमाके करने वाले हैं क्योंकि सारी मदर्स को करना है मिलके वेल हैप्पी मदर्स डे ठंडियां छावा
जबरदस्त किस्म की कोई पंजाबी में जंग शुरू हुई थी। हमने उनका कहा रिलैक्स रिलैक्स, हमारे जो सामने ऑडियंस हैं वो भी आपको देखना चाहते हैं, वो भी आपको सुनना चाहते हैं। और साथ साथ में आपको फिर से बताते चलूं कि आज का हमारे टॉपिक है बहुत ही प्यारा कि आज के लोगों में बर्दाश्त की इतनी कमी क्यों हो गई है, क्यों क्यों नहीं करते लोग एक दूसरे को बर्दाश्त, क्या वजह है, क्या उसकी वजह बहुत ज़्यादा महंगाई है हमारे मुल्क में, इतनी ज़्यादा जो टेंशनें बढ़ रही है वो है, या फिर सबसे बड़ी बात ये कि लोग एटलीस्ट अपने घरों में तो एक दूसरे को बर्दाश्त करो। आप लोग अपने घरों में अपनी माओं तक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन बात आ गई है हमारी मदर्स डे की। और मदर्स डे में अगर इनके खुदा न खास्ता आपके घरों में कभी कोई झगड़ा हुआ हो या कुछ हो, लेकिन आपके पास ये बहुत अच्छा मौका आया है मदर्स डे का, तो मदर्स डे पे आप लोग मनाइए अपनी माओ को। और अब चाहे आपको कुछ भी करना क्यों ना पड़े, माओ को मना के आएंगे तो आप लोग देखिएगा कि आपके घरों में जो सुकून आएगा, आपके घरों की सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। यही वजह होता है कि साल में एक दफ़ा मदर्स डे आता है, और मदर्स डे में आप लोगों ने इस तरह मदर्स डे करना है जैसे कि कोई ईद का दिन आता है। अशीला जी, आज 12 बजे से मदर्स डे शुरू हो जाएगा, और आप देखिएगा कि मदर्स डे में हम लोगों ने आपके साथ मिलकर जो धमाल डाली है, ऐसे ऐसे बुलाया सभी सरकार ने। मेरी गल सुनो, बोलो तुसी कह रहे जंगनी मैंने कार बर्फ की डलियां भिजवाइया ने, अच्छा यार ताकि ठंडी हो जाए, तुसी भी तो मैसेज दे दो। हां जी मैं आके ना 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 लस्सी, हां तुसी कहो मैं हलवा बना देवा तुम्हारे लिए भी लाओ। जी मैं कहनी आ ऑडियंस नाल गल करो, तुम्हारे नाल गल करना चाहिए। ऑडियंस इथे ने आओ जी आओ, हाय माय नेम इज सर्किट, ते मैं दुबई तो आया, मैं ते सर्किट सही करदा सी, एको सर्किट मेरा नाम कॉपी कीता इंडिया ने भी। अच्छा जी, वो जो राइटर नहीं, हां ओले मुन्ना भाई च आया सी, ओने मेरा नाम कॉपी कीता, ए मेरा नाम रजिस्टर्ड है सर्किट, ओहो मैं पया सी, मैं सर्किट सही करदा सी। अच्छा, और जड़ा भी मैंने सर्किट दे दे कंप्यूटरां दा, आहो पावे जड़ा है वाशिंग मशीन दा दे दे मैनू, ठीक है, ते मैनू आज लगदा है ते इथे मुनी है दा भी सर्किट सही करना पड़ेगा। अच्छा, तो मुझे ये बताओ सर्किट जी कि लोगा च जो बर्दाश्त की कमी इतनी ज्यादा हो गई है तो की करना सी भाई जी? ए कमी जिस तरह इस तरह कमी हो गई जिस तरह पाकिस्तान चीनी दी कमी हो गई है, आटे दी कमी हो गई है, ते बर्दाश्त ने फिर कहा जी मैं किस लिए कम नहीं हुई, मैं भी कम हो जाऊं। सही गल है। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि तुसी अपनी मां नु छड़ के आए हो कि जाओगे के केंज मनाने लगे हो कल मदर डे? गल्ला कर रही मेरी मेरी मां नु मैं छड़ गया, मेरी मां मेनू नहीं छड़दी, ठीक है, मैं लेके आयो तुसी गांव च आयो, तुसी देख गांव च आयो, नहीं नहीं गल कीती है पंजाब विच साडी ने सर, सुनो पंजाब च आया मैं दुबई च रहंदा रहया, ओए होए आहो मैं पंजाब तो दुबई शिफ्ट हो गया सी, मेरी मामा जड़ा उथे मेरे नाल ही है, और मेरी मामा जड़ी है ना वो तू पजनी पक्की पंजाबण है, डंडा इतना बड़ा रखे होंदे गोला डंडा ते दे मार साडे चार बजा भाई, टाइया लगी है एक करो बजा, ओए 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 ये हाल ओ ओ ओ ओ ओ ओ ए जी गल अच्छा, मेरी मामा जिस तरह मार दी तो इस तरह भी टॉल बज दे, तो आपकी पिटाइया लगी है ब्रेक दा ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਵਜੇ ਡੋਨਟ ਗੋ ਐਨੀ ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਓ ਓਕੇ ਜੀ ਓ ਓ ਜੇ
My friends say I'm a fool to think that you're the one.